हेलो दोस्तों, ये आप जो एक खूबसूरत सी तस्वीर देख रहे हैं, ये है जिमीकंद से बनी हुई उसकी चटनी जो मैंने बनाया हुआ है और बहुत ही काफ़ी टेस्टी होता है ये खाने में। इसे आप रोटी, चावल, नान हर किसी के साथ खा ले सकते हैं और ये देसी जिमीकंद है वैसे तो। आइए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जिमीकंद को, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, उस अनुसार हम काट लेते हैं। उसके बाद उसको हम कुकर में डालेंगे और सारे जिमीकंद को जितने मैंने काटे हुए, मैंने करीब एक केजी के करीब जिमीकंद मैंने काटा हुआ है इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं उसी शेप में। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी इसकी, ये जिमीकंद जो होती है वो गले में लगती है, तो इसमें हम थोड़ी सी ऐड करेंगे ऊपर से नमक। नमक ऐड करने से ये होता है कि हमारे जिमीकंद का 60-70% कभी कभी जो गले में लगती है वो लगभग ख़त्म हो जाती है। तो इसमें हम, मैंने ये नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे और करीब 3 से 4 सीटी, पहली सीटी फुल फ्लेम पे लगाएंगे, उसके बाद 3 या 2 सीटी हम लो फ्लेम पे लगाएंगे, उसी में ये पक जाएगा। तो आइए जानते हैं कि हम इसे, ये मैंने चटने के लिए छोड़ दिया है वो, आइए जानते हैं कि हम इसे मतलब चटनी बनाते कहते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, उसे चूल्हे पे डालेंगे और सबसे पहले हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। अपना क्वांटिटी के अनुसार आप डालिएगा इसमें सरसों के तेल। चटनी में थोड़ी ज़्यादा तेल रहे तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले मैं जीरा डालूँगी। जीरा डालने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी मतलब अजवाइन डालूँगी। अजवाइन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अजवाइन डालने के बाद ये मैंने लहसुन डाला हुआ, जो मैंने ऑलरेडी छोटे बारीक टुकड़ों में मैंने कूट के रखा हुआ था। और उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च थोड़ी सी डालूंगी। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के, मतलब तीखा आप कितना खाते हैं उस अनुसार आप डाल सकते हैं। मैं थोड़ी तीखी खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी हरी मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा दिया है इसमें। तो आपका जैसा टेस्ट है आप उस अनुसार डालिएगा। इसको हम 2 मिनट तक करीब, हम इसको कम फ्लेम पे, वो भी फुल फ्लेम पे नहीं, कम फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। और ये मेरा लगभग भून चुका हो, तो इसमें मैंने हल्दी ऐड किया हुआ है। हल्दी ऐड करने से इसका टेस्ट, मतलब इसे हल्दी वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। ये लीजिए, मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया। ये धनिया बिल्कुल हाथ का बनाया धनिया है, तो इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। बाज़ार से जो धनिया खरीदते हैं और इसमें काफ़ी अंतर होता है। और इसमें कलर करने के लिए, थोड़ी सी कलर अच्छी लाने के लिए, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। ये देखिए, थोड़ी सी मैं और ऐड करना चाहूँगी, तो इसमें देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। अब देखो, अब देख सकते हो इसको भी। इसे हम 2 मिनट तक, 1 से 2 मिनट तक आप पकाइए, वो भी लो फ्लेम पे। फुल फ्लेम पे पकाने पे ये हमारा तैयार भी हो चुका है। वैसे 2 मिनट पे मैंने पका दिया। और ये मेरा पका हुआ, जो बॉईल किया हुआ ओल है, इसमें मैं डाल रही हूँ इस तरीके से। वो बॉईल करने के बाद ऐसे पक जाते हैं, ये मैंने डाल दिया। और मैंने चूल्हे का जो फ्लेम था वो मैंने लो कर दिया। तो अब जैसे कि देख रहे हैं, इसे हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे, इसको अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे हर पार्ट में। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी अदरक डालेंगे। ये अदरक मैं ऊपर से इसलिए डाल रही हूँ कि मुझे पर्सनली भुना हुआ अदरक नहीं पसंद है। आप उसमें जो मैं छौंक लगा रही थी, आप उसमें भी डायरेक्टली डाल सकते थे, क्योंकि इसका ओरिजिनल स्वाद मुझे कच्चे खाने में ही थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं थोड़ी सी धनिया पाउडर भी मिक्स करूँगी इसमें। धनिया पाउडर मिक्स करने से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये अच्छे तरीके से मैंने मिला लिया। और ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैंने थोड़ी सी गर्म पानी, थोड़ी सी ही ऐड की हुई है। और थोड़ा सा स्वाद अनुसार मैंने ये नमक ऐड किया हुआ है, कि हम इसमें नमक ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बॉईल करते समय हमने इसमें नमक दे दिया था। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालिएगा। और इसके बाद मैं फ्लेम अपना ऑफ भी कर दूँगी। ये अच्छे तरीके से मिल चुका है वैसे। और लास्ट इसे हम, इसमें हम लेंगे नींबू। नींबू डालने से, जो पहले तो नमक डाले हुए थे, नमक डालने से 70% कभी चली जाती है, नींबू से लगभग 90% इसकी कभी चली जाती है और काफ़ी बहुत बेहतरीन फ्लेवर देता है। तो इसे हम नींबू डाल के, ये ऑटोमेटिक मैंने नींबू का रस निकाल चुकी थी मैं, तो ये देखिए ये मिल चुका है। और कितना अच्छा कलर आ रहा है और कितना प्यारा ये लग रहा है। ये पूरी चटनी हमारी तैयार हो चुकी है और इसे आप रोटी, सब्जी किसी के भी साथ खा सकते हैं।